करौली जिले के उपखंड हिंडोन के ग्राम पंचायत मोठियापुरा गढ़ देखरेख के अभाव में अपना अस्तित्व खोता नजर आ रहा है। सेमन टीम ने इस क्षतिग्रस्त होते गढ़ की कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद की है और यहां के लोगों से इसकी जानकारी जुटाई। खास बात यह है कि इस गढ़ में बॉलीवुड फिल्म रिश्क नामा की शूटिंग भी हुई है। और क्या सुविधाएं हैं इसमें? बहुत पर्यटक आते हैं और यहां फिल्म भी दो बार आए हैं यहां पे, तो वो भी बनाई है। और जो विकास कुछ है नहीं अभी इसमें, जो करने का जो टूटा फूटा है रही है पूरी, तो इसमें कोई सुनवाई नहीं है इसकी। कौन ने बनाया था ये गढ़ और कब बनाया था? घासीराम बाबा ने। कौन थे वो? हमारे पुरखाई थे। कितने दिन पहले बनाया था? 300 साल पहले पुराना है। तो आपके यहाँ के जो वंशज है वो कौन कौन सी जगह जाके रहे हैं? अब ये जो जिन्ना है, कोटरी है, मोठियापुरा है और ये गढ़ है, तीनों हम जो ये कि बाबा की औलाद हैं। जो भीतर जो कोटरी है ना, चारों गुर्ज है ना, हमारी वो है, चारों भाई ने। बोलो बोलो। हाँ जी, ये ग्राम मोठियापुरा गढ़, ये मोठियापुरा पंचायत हिंडोन तहसील जिला करौली में पड़ता है। यह मंदिर भी काफ़ी पुराना है, करीब 400 साल पुरानी ये जो हनुमान जी की प्रतिष्ठा है ये 450-400 साल पुरानी है। परंतु यहाँ अब सुविधाएँ मतलब क्या है कि एक तो पानी की समस्या, लेकिन सारे यात्री भी बहुत आते हैं शनिवार मंगलवार, असुविधा सड़क की भी रहती है, साधन भी परिवहन साधन भी बहुत कम है। यहाँ पर पहाड़ी पर बसा हुआ है, पाइप लाइन जो आ रही है ये भी टूटी फूटी है, कभी टूट जाती है कभी चल जाती है, ये ऐसा ही चलता रहता है यहाँ पर। और करीब मैं यहाँ 10 साल से आता जाता रहता हूँ, 1.5 साल से परमानेंटली में ही रहा हूँ मैं यहाँ। तो शाम सुबह मतलब क्या है कि आरती पूजा करने के लिए आता हूँ, सुबह रामायण भी चलती है यहाँ पर। तो ये सारी मतलब असुविधाएँ हमें दिखाई पड़ रही हैं। क्षतिग्रस्त भी हो रहा है? क्षतिग्रस्त सारा हो चुका है, ऐसा बरसातों में क्या है कि ये गिरता ही रहता है और ये मरम्मत के लिए कोई ध्यान देना है। जिला कलेक्टर के पास में गए, जिला कलेक्टर की भी पास में गए, पर साहब अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है यहाँ पर। चलो आप देख रेख कर रहे हैं इसकी? हाँ साहब, सुबह शाम का है कि मैं मतलब का मंदिर की देख रेख कर रहा हूँ यहाँ। सुना है हमने यहाँ पे फिल्म भी बनी थी कोई? हाँ जी सर, गत वर्ष फिल्म बनी थी, वो आए थे और सारी शूटिंग वगैरह भी हुई थी यहाँ पर। ठीक है। हमारे यहाँ पे किले के बारे में कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे अच्छा अंदर मंदिर भी है, बहुत यात्री आते हैं, मगर कोई भी रोड की सुविधा नहीं है, यहाँ पर पानी की सुविधा भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी सरकार के लिए बोलते हैं तो कोई भी उच्चारण नहीं करता है इस बात के लिए। और यहाँ पे तो यही है कि मतलब यात्री आते हैं बहुत परेशान रहते हैं, पानी भी नहीं मिलता है किधर भी, पीने के लिए पानी की बहुत सुविधा नहीं है। यहाँ पे आने के लिए सड़क सही नहीं है? सड़क भी सही नहीं है बिल्कुल। पर्यटक आते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, शनिवार मंगलवार, बहुत शनिवार मंगलवार आते ही रहते हैं, यात्री बहुत रहते हैं यहाँ पे। मतलब यज्ञ वगैरह भी हुए पर पानी की कोई सुविधा नहीं हुई। सात यज्ञ हो गए और 26 भागवत हो गई इधर, मगर कोई भी पानी की परेशानी तो बहुत ही ज़्यादा है इधर। कितना पुराना है किला ये? कम से कम 300-350 वर्ष पुराना है।